हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू या तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ के बैठोगे तो आओगे क्या? अरे यार, फोन है, कैमरे से होता तो कर सकते थे, है ना पापा? हंसी आ रही है मुझको। ठीक है, कैमरा एक्शन। ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड ये वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि ये है फर्स्ट एपिसोड ऑफ हैशटैग बर्थडे वीक। तो पहले से ही बता दो क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है ऑन 2 मार्च, तो ये जितने भी वीडियोस आएंगे सब मेरे बर्थडे वीक से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला वीडियो जो आप देख रहे हो वो है हु नोज मी बेटर फीचरिंग माय मॉम एंड डैड। सो आप लोग एक्साइटेड हो? डायरी में सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं। एक एक करके सवाल पूछूंगी, दोनों को आंसर देना है, फिर करेक्ट आंसर क्या है वो मैं बताऊंगी। मतलब दोनों को आंसर जो देना है, बजर दबा के देना है। बजर दबा के नहीं, बजर तक का बजट नहीं है। अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो एक दिन वो भी होगा। मुझे चिमटी क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, पहले चिमटे लेगा। अरे यार कुछ भी ऐसा कैसे होगा फिर? अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे पे छोड़ा। हाँ सुन, ठीक है ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका पहला जवाब थोड़ा पापा को देते हैं, फिर मम्मी बताएगी आंसर, करेक्ट आंसर मैं बताऊंगी। मेरा फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर मेरे हिसाब से पिंक। मम्मी? मेरा है रेड और पिंक। नहीं, ब्लैक और पिंक। करेक्ट, मम्मी को पॉइंट मिलेगा, मम्मी ने ब्लैक भी इंक्लूड किया। पापा ने सही बोला, पिंक है। दो भी बोल सकते थे। तो मेरे को ये थोड़ा बताना। नहीं नहीं नहीं, मेरे कलर के कितने पसंद है। अरे फेवरेट कलर ये ऐसा नहीं लगा है, देखो सुनो सुनो, पहले बचपन में मुझे पिंक कलर पसंद था, लेकिन जब मैं बड़ी होते गई, यू नो आज का जनरेशन, ब्लैक इज माय न्यू फेवरेट। ठीक है, हाँ तो अगर आप पिंक बोले तो सही बोले थे, मम्मी भी पिंक बोले तो सही बोली थी, लेकिन मम्मी ने ब्लैक भी इंक्लूड किया तो वो मिलना चाहिए। वैसे भी देखो कौन जीता कौन हारा, कमेंट सेक्शन में ऑडियंस बता देगी, तो हम लोग उसको झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। मम्मी पहले बताएगी, व्हाट डू आई प्रेफर, कॉफी और टी? मुझे कॉफी ज्यादा सही लगता है या चाय ज्यादा सही लगता है? ऐसे देखें तो कॉफी चाहिए, पर अगर फेवरेट बोले जाए तो वहां चाय। लेकिन चाय चाहिए ही चाहिए। करेक्ट आंसर, मतलब कॉफी मेरे को बहुत पसंद है, स्पेशली कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी जैसा भी बहुत पसंद है, लेकिन चाय का भी एक अपना ही दर्जा है। मतलब अगर चाय वहां रखा तो साक्षी फील कर देगी, बच्चा रो रहा है। अरे तो जो सच है वही बताएंगे ना, अभी क्या हो रहा है। मम्मी को ऐसा लग रहा है मोस्ट फेवरेट है। मेरे को अगर मेरे को लगता है तो मोस्ट फेवरेट में हो सकता है मैं रॉन्ग रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से मैं मतलब कॉफी को लेके होता है, चाय को भी लेके होता है, लेकिन ज्यादातर तुमको मैं देखता हूँ कि कॉफी के लिए ज्यादा है। ये बात तो है। मेरा कंफर्ट फूड क्या है? जैसे कि मुझे सब लोग, जैसे मेरी माँ को कंफर्ट फूड दाल चावल लगता है, ये लगता है, एंड मेरे को ऐसा था दाल चावल कंफर्ट फूड कैसे हो सकता है, तो मेरा कंफर्ट फूड क्या है? पापा पहले आप बताओगे। हाँ बेटा, अगर आपके पापा के पैर पे से रिक्शे में चढ़ के जाएगी ना, तो तुम्हारे एक तरफ से आंसू निकलता रहेगा, लेकिन दूसरे तरफ से हंस रही हो। चाइनीज जो है तुम्हारा जो है, देखो तुम्हारा भी आंसर वही है शायद, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि चाइनीज में सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करती हो? सूप, मंचाओ सूप और लॉलीपॉप। मेरे हिसाब से मतलब जो उन्होंने बोला है 100% चिकन चिल्ली। हाँ हाँ हाँ, चिल्ली किसी भी तरह का हो, चाहे पनीर से भी काम चल जाए, चिल्ली होना चाहिए। लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी थी? तुम पहले जवाब दो। डंकी। अब आप बताओ लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? डंकी बोल रही हूँ मम्मी। सीरियल भी की? नहीं, मूवी मूवी जो थिएटर में जाके देखी थी। डंकी। ये दोनों को क्या हो गया है? दोनों के साथ जाके फाइटर देख के आई हूँ मैं, दोनों डंकी।
आपको पता ये क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने कुछ सोचा कि मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी, मुझे भी याद नहीं था। ये लोग बड़ा डंकी ठंडी बर्दाश्त नहीं होना, ये अलग बात है, लेकिन फेवरेट क्या है? जैसा बताया था वैसे। हाँ तो देखो, मेरे को रेनी सीजन बिल्कुल नहीं पसंद। रेनी सीजन तभी पसंद जब मैं घर के अंदर हूँ, क्योंकि बाहर का कीचड़ भाई नहीं हो पाता है। तो विंटर सीजन बेस्ट, कितनी भी ठंडी बढ़े विंटर सीजन सही है। अच्छा बताओ, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ काम करने के हिसाब से, कि मैं ये काम मॉर्निंग में निपटाती हूँ, या उठ के मॉर्निंग पर्सन हूँ, या तो नाइट आउल रात को काम निपटाना प्रेफर करती हूँ मैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इस स्प्लिट के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे, जितना मैं तुमको जानता हूँ अभी तक के इसमें, ये तुम्हारे स्प्लिट पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब तुम जॉब भी करती थी तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक घंटे पहले अपने जॉब पे पहुंच जाती थी, एक घंटे पहले ऑन टाइम। तो ये तुम्हारे काम के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी है कि अगर तुम्हारे पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है तो कोई भी टाइम रहे तुम उठ के कर लोगी अपनी मम्मी से रिका। लेकिन प्रेफर तो तुम अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से करते हो। अगर मतलब मेरा ऐसा कहना है कि सवेरे उठो अपने मर्जी से, अपने हिसाब से चाय कॉफी करो, उसके बाद अपने काम को अंजाम दो। इस तरह का चीज पसंद करता है, ऐसा हर कोई लगभग पसंद करता है। लेकिन सिचुएशन पे अगर तुम्हारे को काम का पकड़ बनाना है तो तुम किसी भी समय तुम्हारे पास काम है उसके लिए तुम एवर रेडी रहती हो। मैं काम आना चाहिए। तुम से भाई ऐसा नहीं, सेम सेम कॉपी तुम्हें नहीं करना है, बताओ अपने हिसाब से। तुमने क्या आकलन निकाला 24 की हो रही हूँ मम्मी मैं? तुम अपना कंफर्टेबल तो देखती हो। हाँ हाँ, बहुत काम करने में धीरे धीरे उठ के तुम 10-12 बजे उठोगी, 12:30 बजे काफी पियोगी। हाँ, तो अपना कंफर्टेबल काम रात का ही, मतलब काम पे तुम पिकअप कब लेती हो, ऐसे रिलैक्स रहती हो, लेकिन जैसे तुम्हारी मां बोलती है सक्षिया हाँ, तो मैं मेरी पटती है हाँ कि मम्मी अब गुस्से में है सक्षिया बात हुआ है। हाँ, दावे के साथ बोल सकते हैं कि उस पीरियड तक तुम्हारी मम्मी 2-3 किलोमीटर तक चल चुकी रहती है, केवल घर के काम में। घर के काम में नहीं तब फट जाती है। तो सीन देखो, हमारा घर अभी मतलब हमको इंटीरियर हमारा बहुत अभी अच्छा नहीं, हमको घर का काम कराना है, लेकिन अपना घर बहुत स्पेशियस है, बहुत बड़ा घर है हमारा, मतलब लगभग 1800 स्क्वायर फीट का एरिया वाला घर है। और उसमें थोड़ा सा काम उसको अकेले पूरा मैनेज करना अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो सीन ये है कि जब मेरा पढ़ाई वढ़ाई का टाइम था एग्जाम के टाइम, तो मैं रात के 12 तक पढ़ती थी, लेकिन सुबह उठ के 4 बजे मैं प्रिफर करती थी पढ़ना, तो उस टाइम पे मॉर्निंग पर्सन हो जाती थी। अभी प्रेस ऑन्स के ऑर्डर वगैरह आते हैं या शूट वगैरह जो सुबह तक नहीं हो पाया दोपहर तक, तो फिर मैं रात को प्रिफर, तो डिपेंड करता है। मेरा फेवरेट टाइप ऑफ डेजर्ट कौन सा है माते, तुम पहले बताओ। अगर मम्मी ये नहीं बता पाई ना पापा क्या ही बोले। शेक तो जमता है, ठीक है शेक जमता है, लेकिन ज्यादा स्विगी जोमेटो से क्या आता है, शेक तो आता है बट स्टिल चॉकलेट शेक आता है, और वो कांच वाला जो आता है आइसक्रीम संडे जार। हाँ हाँ ठीक है, और मेरे ख्याल से खीर तुमको अच्छा लगता है। खीर अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल जो आंसर मेरे को चाहिए अब तक नहीं मिला पापा। पेस्ट्री, करेक्ट पेस्ट्री पेस्ट्री और वेफल में डाइस करते हो मूड के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे कि आपको याद है जब मेरा एग्जाम शुरू होता था टीवाई का या एसवाई का, तो मैं अपने घर में एक पेस्ट्री मंगा, वो केक पूरा मंगा के रखती थी, और एग्जाम के टाइम पे काट काट के खाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पापा आंसर देंगे। यस ओके, मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है? हमारा फेवरेट एनिमल जो है वो तो एज यूजुअल हमारा, जैसे टॉमी की वजह से डॉग के प्रति तुम्हारा जो है बहुत ज्यादा हुआ है। स्टिल इसके बाद भी अगर इस घर में जो आ जाए और रह जाए हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर तुमको पसंद करना हो तो डॉग, उसमें भी बीगल पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, लेकिन जब से टॉमी का डेथ हुआ है हर लैब में टॉमी को ढूंढने की, टॉमी को ढूंढती हूं मैं। हां मतलब ये नहीं कि किसी और से कम प्यार है, लेकिन उसकी झलक दिखती है डॉग ही मेरे हिसाब से। डॉग डॉग हां मम्मी डॉग। हाँ कौन सा ऐसा, अब इसका पहले मम्मी आंसर देगी, कौन सा ऐसा टीवी शो है या फिर कौन सी ऐसी मूवी है जो मैं बार 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 देख सकती हूँ? तो ऑप्शन है, या तो टीवी शो बताओ, जैसे टीवी शो तो सीरियल्स जो भी आते हैं, या तो कोई मूवी जो मैं बार बार देख सकती हूँ। अभी जो तुम देख रही हो तारक मेहता,
यस पापा आप बताओ तो कौन सा देख रहे हैं लेकिन आप पहले बताओ कौन सी ऐसी मूवी या कौन सा टीवी शो है जो मैं बार बार देख सकती हूँ। मूवी तो मेरे को लगता है कि शाहरुख खान की मूवी डिपेंड करती है कि डिपेंड करती है हाँ वो है और तारक मेहता हमेशा चालू रखती है तुम सारा काम करते हो। हाँ तो करेक्ट आंसर ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्योंकि शाहरुख खान मुझे पसंद है बट एक टाइम के बाद मूवी बार 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 नहीं जमता क्योंकि स्टोरी पता होती है बट तारक मेहता का स्टोरी रिपीट हो जाता है कुछ भी हो मैं सबसे पहले कॉफी पीने के बाद तारक मेहता ऑन करती हूँ फिर ही अपना बर्तन धोती हूँ सारा काम मैं तभी करती हूँ तो तारक मेहता एनी टाइम हाँ हाँ सो एनी टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक है। अच्छा अब तक तो मुझे जो मैं क्वेश्चन पूछूं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अब तक कुछ हासिल किया है लाइफ में बट आप लोग के हिसाब से अब तक का मेरा बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट क्या है मतलब मैंने क्या ऐसे बिगेस्ट हासिल किया क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक फिलहाल तो नहीं लगता है इसको पहले बोल आप ही बता दो उनको तब तक ऐसा तुम्हारा सोच है और होना भी चाहिए क्योंकि हर दिन साक्षी बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट करते हुए दिखती है उस समय भी दिखती है जब मम्मी का तबियत खराब होता है तो घर को पूरा मैनेज करना साक्षी कर लेती है उस समय भी दिखती थी जब एक छोटी बच्ची होने के नाते उसका एजुकेशन का एक बात होता था कि भाई उसको एजुकेशन अपना करना है हाँ। और उस समय पढ़ाई में भी साक्षी अव्वल दर्जे की थी कोई शक नहीं था उसके सराउंडिंग बहुत अच्छी उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं लॉयल फ्रेंड है उसके चाहे वो निधि का नाम ले लो या जो भी उसके दोस्त है वैष्णो अर्नोल्ड या पर्टिकुलर जो भी उसने रखा है उसके टीचर्स बहुत अच्छे उसको टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं मतलब चाहे वो रोशन सर को कंसिडर कर लो या ऐश्वर्या मैडम को कर लो तो तुमको जब भी लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए तो तुमने किया और तुमने उस चीज को ढंग से किया अच्छे से किया जो कि तुम्हारा फील्ड नहीं था लेकिन एक रेपुटेशन तुमने वहां पे मेंटेन रखा जिसको मैंने मना किया कि बेटा अब तुम यहाँ पे रुक सकती हो अपने चीजों पर फोकस करो। तो जब भी तुमने जब भी कोई चीज किया है तो ये यूट्यूब में आना ये नेल आर्ट पे आना ये तुम्हारा खुद का और मेरे नजर में जो आदमी स्वयं का खुद का कर रहा है और वो अपने प्रोसेस में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो मेरे लिए उसके लिए रेस्पेक्ट है। हर दिन तुमको मैंने डेवलप होते देखा है ये तुम्हारी सोच है कि मैं ऐसा कुछ खास नहीं कर रही हूँ तुम्हारे पास आज के डेट में इतना काम है बस तुम है ना चल यूट्यूब में मोनेटाइज नहीं हुई उस हिसाब से तुम अपने को रैंकिंग दे रही हो तो सोच के मैं खिलाफ हूँ मेरे हिसाब से तुम दिन प्रतिदिन अच्छा कर रही हो और भगवान की दया से तुम्हारे पास जो सराउंडिंग भी है नेगेटिव लोगों का नहीं है मम्मी भी तुमको वैल्यू देती है मेरे तरफ से तुमको मेरा नेचर पता है और जिनके साथ भी तुम्हारा उठना बैठना है जो आज के डेट में तुमने वो मैच्योरिटी रखी है अच्छे लोगों की उसके बेसिस पे हर वो व्यक्ति जो है तुमको हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। साक्षी तुम अपना बर्थडे नहीं मनाने जा रही हो तुम्हारा बर्थडे लोग मनाने का सोच रहे हैं जो तुम्हारे जो भी गिने चुने अच्छे या जो तुम्हारे गुरु हैं या जो भी ये बात तो मेरे बर्थडे का एक्साइटमेंट सबको है। 100 बात की एक बात थोड़ा सा लेंथ इसलिए ज्यादा लिया कि तुम्हारा 24 का एज है तो तुम दिन प्रतिदिन सब कर रही हो अच्छा कर रही हो मेरे नजर में अच्छा कर रही हो ठीक है और अच्छा होने वाला है और बेस्ट होने वाला है वो आने वाले समय पर आपको दिखेगा ठीक है ना। ये नहीं होता कि तुम जो चीज मतलब जो तैयारी जिस चीज की भी कर रही हो वो एक्सेलेंट लेवल पे कर रही हो आने वाले दिनों में और प्रगति करते हो तुम सब बहुत बेहतर लोग करने वाले होंगे क्रिएटिव माइंड वाले होंगे उनका अलग सोच है उनकी मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। तुम थोड़ा स्लो मूव करोगी लेकिन पिकअप लोगे ये श्योर है और जो जो चीज तुमको करते देख रहा हूँ मैं स्वयं तुम्हारा जब कंटेंट देख रहा हूँ तो मेरे को तुम्हारे कंटेंट में बहुत मैच्योरिटी दिखाई देती है। मैं तुम्हारे व्लॉग का खुद इंतजार करता हूँ कि साक्षी व्लॉग डालेगी मैं चाहता हूँ कि उसमें छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरा भी रहे क्योंकि मुझे मुझे मजा आता है तो मैं तुम्हारे व्लॉग को एंजॉय कर रहा हूँ जो कि अपने घर में बन रहा है ये वो और मैं तुमसे पूछता हूँ कब है व्लॉग तो मैं ये तुम्हारे अचीवमेंट है तो मेरे को तुम्हारे इससे मेरे को तो हर दिन तुम प्रोग्रेस होते हुए दिख रहे हो ये मेरा नजरिया है और बाहर ही मैं यहाँ से बैठ के ये आकलन लगा सकता हूँ कि तुम अच्छे प्रोग्रेस पे जा रही हो और कुछ अच्छा होने वाला है अच्छा और उतना ही डेडिकेटेड रहोगी तो हाँ डेडिकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मम्मी अब तुम बताओ सही अभी ये नहीं बोलना सेम कुछ तो होगा मैं यही बोलूंगी मतलब जो भी साक्षी का मेहनत है हाँ उसमें ज्यादा करके साक्षी का ही मेहनत है। हाँ हाँ मतलब साक्षी को दिखाया तो घर से भी ज्यादा हम लोग पैसे रुपए का अलग बात वो सपोर्ट करते हैं लेकिन जैसे खुद ही शूट करना खुद ही एडिट करना खुद ही एक करना फिर डालना मतलब हर चीज से उसने शुरुआत एक नाखून से भी किया था तो मतलब उसके दद्दू से उनसे मांगती थी कि मुझे नेल आर्ट का सामान नेल आर्ट का सामान नाखून को कुछ सीखती थी फिर
फिर बाद वही साक्षी को बोलते देखो तुम अपने नाक में शुरुआत की थी, आज देखो तुम्हारे पास कितना चीज है, मतलब अभी आप मतलब आगे बढ़ रहे हो, एक पूरा स्टोरेज बॉक्स पूरे नेल्स का ही है। निकालो अपना जो जो तुम्हारे पास है नॉर्मल सेल, तो मेरे को लगता है कुछ नहीं तो 50,000 का सामान तुम्हारे पास पड़ा होगा। हाँ ये बात है, तुमने खुद अचीव किया है। तुम्हारे को डेली सारा नींद खराब होता है मेरा, सवेरे उठने में दरवाजा खोल के तुम्हारे से ओटीपी लेने में कि पार्सल आ गया, आपका एक पीआर है, आपका पीआर है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बड़ी बड़ी ऐसा कौन सा कंपनी का नाम मतलब नहीं लिया जा सकता जिसमें तुमने काम नहीं किया है। हाँ। और ठीक है, और आगे वो सारे प्रोग्रेस भी देखेंगे, जितना तुमने पाया है उतना तुमको काम मिला भी है, मतलब जितना तुमने अचीव किया है उतना मिला है और आगे हो जाएगा। देखो सक्सेसफुल जो है ना, जैसे एक सक्सेसफुल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर स्पोर्ट्स में टॉप पे आता है तो लोग तब पहचानते हैं उसको, तुमको भी लोग पहचानना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखो कि उसने जाके डायरेक्टली नहीं फेंका था, उसने पेस बनाया, चैंपियन तभी बना और उसको एक मंच पे सबने फिर पहचाना। वो तुम्हारे साथ होगा, प्रोसेस में हो, मेहनत करते रहो और तुम रोज कुछ अचीव कर रहे हो, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मेरे नजर में तुम कहीं पे भी हो नहीं हो। ठीक है, अब ये जो सवाल है इसके लिए मेरी मम्मी पापा दोनों एकदम एक्साइटेड में शायद जवाब दे सकते हैं। मेरा सबसे वियर्डेस्ट हैबिट क्या है, बहुत वियर्ड, बहुत अजीब नेचर क्या है मेरा? मम्मी पहले तुम बताओ। आज वैसे शाम से मैं उसी नेचर में थी। हाँ साक्षी बहुत जल्दी चिढ़ जाती हाँ ये पानी को चिड़के ही मांगती है। पानी नहीं चिड़के मांगती यार, ये तो ज्यादा हो गया। अब आप बहुत जल्दी चिड़ती है मतलब। हाँ वही है, होठ चबाती रहती है। हाँ होठ चबाने का आदत है, वो ज्यादा वियर्ड लगता है मेरे को, क्योंकि मूड खराब होना ये होना मेरे को तो लगभग सभी लोगों में वो चीज दिखाई देती है, मूड चेंज होना ये होना वो होना हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो एक पार्ट है जीवन का, किसी के पास कम ज्यादा एज के साथ वो मैनेज होता है। लेकिन अगर कान के नीचे मारने वाला अगर कोई चीज होता है तो ऐसे होठ चबाते हैं, होठ से थोड़ा ब्लड निकला रहता है, साक्षी को बोलता हूँ साक्षी क्या हो गया ना ये पापा ऐसे कैसे हुआ, बोलना भी ऐसा क्या ऐसे करके हंस देती है, उस समय भी लगता है जाए सख्त से मारे और वापिस आए। लेकिन ये हैबिट मेरे पापा की है, पापा से आई है। पापा को भी जब मैं सीरियस बात करती हूँ पापा कंटेंट में ऐसा कुछ करना कहते हैं, मेरे पापा के सामने हंसता था तो पापा यही बोलते थे मैं काम की बात कर रहा हूँ तुमको हंसी आएगी। हाँ नहीं ये बात तो है, दांतों की बात ही अलग थी ना। तो हाँ ये बात तो सही है, होठ चबाना मेरा वियर्डेस्ट हैबिट है। और होठ चबाती हूँ मैं, मेरे को खून निकलने लगता है, मुझे जब जलन होती है तो लिप बाम लगा के सो जाती हूँ तो सुबह तक हील हो जाता है। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे मेरे को एक प्लेस मतलब जगह प्लेस जहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा सुकून फील होता है, आप बताओ पहले। इसका हो सकता है कि मेरा आंसर जो है वो रहे मतलब क्या बोलते हैं मम्मी के पास ज्यादा अच्छे से पता हो, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगा कि ये तुमको टॉमी के बॉडी में अच्छा लगता था सबसे ज्यादा जब उसको स्पर्श कर रही थी, तो उस पे मैंने तुमको हमेशा पीस देखा है मतलब उस पे। इसके अलावा अभी तक मेरे को इस बारे में बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है बाबू कि तुम्हारा क्या, लेकिन मैंने देखा था कि मतलब है ना तुम टॉमी में ना उसको सूंघते रहना उसको प्यार करना एक वो उससे तुमको बहुत ज्यादा पीस महसूस होता था। हाँ ये तो है, यही है, बाकी तो मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं देखा है। टॉमी का जो पापा बोले वो सही। और तुम कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मतलब घर में भी अकेले शांति से रहना चाहूँ, कभी कभी ऐसा लगता है अपने किसी फ्रेंड के साथ इंजॉय करूँ, मेरा मतलब महसूस तो थोड़ा घर से निकल के बाहर फ्रेंड लोग के साथ। तो करेक्ट आंसर ये है कि जो टॉमी वाला बात है चलो वो तो सही है, बट ओवरऑल जो मम्मी ने भी ये बोला कि कभी कभी लोनलीनेस घर पर रहने पे लगता है, मन करता है फ्रेंड्स लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन सब अपने अपने बिजी होते हैं तो मैं बहुत कम ऐसे फोन करके फ्रेंड्स को बुलाती हूँ कि अपन मिलते हैं करके, क्योंकि सब अपना अपना बिजी होते हैं। बट अगर एक कम्फर्ट मुझे चाहिए एक पीस, तो सबसे बेस्ट है मेरा घर। मुझे मेरे घर में ही कम्फर्ट मिलता है, सबसे बेस्ट मुझे मेरा घर लगता है। हाँ सबसे मतलब कंफर्ट ये है कि घर है, क्योंकि जब मैं ऑफिस से भी छुट्टी तो लोग यहाँ वहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं, मेरे को घर जाना है भाई, ट्रेन पकड़ के मुझे घर जाने दो, मेरे मम्मी पापा से मुझे बात करना है, टॉमी से मुझे मिलना है, अन्नू से मिलना है, तो ऐसे ही है। जब मैं इसका आंसर पहले पापा देंगे, जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़े होकर क्या बनना था? हमेशा टीचर बनना चाहती थी। मम्मी टीचर ही बनना चाहती थी। टीचर, हाँ करेक्ट आंसर, टीचर बनना था मुझे। लेकिन एक चीज बोलते हैं कि टीचिंग अभी भी परस्यू करती हूँ क्लासेस वगैरह लेके,
नेल आर्ट वगैरह का तो टीचिंग मेरा कंटिन्यू है ही, तो टीचर ही बनना था मतलब। एनी हाउ टीचिंग वाला जॉब मैंने देखा है हमेशा। हाँ हाँ हाँ, तो मैं किस टाइप की हूँ कि मैं प्लान करके अपने काम करना पसंद करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर गो विद द फ्लो, जैसा आएगा देख लेंगे। विद द फ्लो स्टार्टिंग में था। हाँ, बहुत प्लान करी करती और टास्क बनाती हो और कर रही हो और उसका तुमको बेनिफिट्स भी मिलना शुरू हो गया। हाँ, और ये जो आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं ना, इसका भी एक वीडियो आने वाला है, बट बर्थडे वीक के बाद। मैंने सब वैसे रिकॉर्ड करके रखा है, तो वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे ना जो मेरे से मेरे फेस में ही होंगे, तो शायद उनको हेल्प हो जाए। मम्मी तुम बताओ। सही बोल रही हो। ये क्या है, ये कॉपी कर रही है आंसर? कॉपी नहीं कर रही है। नहीं, क्या है कि मैं ही बहुत ज्यादा बोल रही हूं। अरे कुछ तो बताओ, तो क्या प्लान मतलब पहले लेकिन थी ना गो विद द फ्लो वाला आराम। पहले साक्षी ने इस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया जितना आप भी लिए। हाँ ये बात तो है, तो ये सारे चीजें सीरियसली नहीं लिया, ऐसा बात नहीं है। जिस समय जो भी काम किया सीरियसली लिया, तब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करती थी। एक्सपेक्टेशन नहीं करके काम पे ज्यादा फोकस। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन मेरा जीरो लेवल पे है, बिल्कुल जीरो है। हाँ, मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। वैसा है कि 2024 है मेरे हाथ में, हर महीने कुछ ना कुछ करना है। एक दिन है। हाँ, बाकी 2025 में देखा जाएगा। ऐसा अभी मैंने ऐसा सोचा है। ठीक है, अच्छा, डू आई वॉन्ट टू हैव किड्स इन फ्यूचर? क्या मुझे फ्यूचर में बच्चे पैदा करना है? क्योंकि आजकल बहुत लोगों का पॉलिसी हो गया है नो किड्स पॉलिसी टाइप, तो आपको क्या लगता है? पहले आप आंसर दो, मुझे बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चे तो तुम पसंद करती हो, तो मेरे को चाहिए ना बच्चे। तुम्हारे इसमें अच्छे से प्लान है, तुमको तो पसंद है। हाँ, तो बच्चे चाहिए। मेरे स्कूल में, तुम पहले बताना, सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट मेरा कौन सा था? अरे अरे क्या है बाबा, ये मेरे दोस्त लोग तो बोल देते अभी। मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी। मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे को पसंद था। मैथ्स बोले तो मैंने एक बार एग्जांपल मेरे को सुन ना, एक बार मेरा एक लड़का भी है। हाँ भाई है मेरा भाई, मेरा भाई बॉडी बिल्डर स्ट्रॉन्ग मैन ऑन अर्थ। वो जो है उसको ये पढ़ाने का जिम्मेदारी थी। अब साक्षी तब छोटी थी, अनुराग और छोटा था। उस मासूम से बच्चे को कलम लेके पीछे से आंसर देख के बीच के फॉर्मूले को खा गई, लास्ट का आंसर एक्यूरेट बता दी। और जब मैं छोड़ा तो मेरा भगवान से विश्वास हो गया कि ऐसे करके आंसर आ ही नहीं सकता। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ से तुम पढ़ाना बंद करो। लेकिन साक्षी का मैथ्स वीक रहा है, ये उसको वीक बोलती है, स्टिल मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाती थी, ला देती थी। और आपको पता है आपके बेटे का जो टेंथ में मैथ्स में कम मार्क्स आ रहा था, तो मैंने उसका बाद में बोला था एंट्रल बना के देखे तू पढ़ इस तरीके से। कोई पढ़ाई में अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल अगर किया साक्षी ने तो मैथ्स में किया, लेकिन निराशाजनक मार्क्स नहीं लाए। लेकिन मैं अभी भी खुल के बोलूंगी, कोई पैसा नहीं हुआ जो मुझे मैथ्स सिखा सके, ये अभी भी मैं बोलूंगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं अपना पैसा कहाँ पे स्पेंड करना ज्यादा एंजॉय करती हूँ? आप आंसर दोगे पहले। फिलहाल तो जहाँ तक मैंने देखा स्पेंड करने के लिए, तो तुम उन जगहों पे स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे तुमको काम के प्रति फिलहाल, अभी फिलहाल। हाँ। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था मनी शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए चारों चैनल मोनेटाइज हो जाए मेरा, ताकि ऐसे 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 करें हम लोग। तुम बताओ, तुम अपने खाने पे। करेक्ट आंसर, स्विगी जोमेटो। जो पैसा है ना, मैं उससे कुछ नहीं मंगा सकती। एक ही बार मंगाऊंगी पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं मंगा रहे। तो कैसा लगा आप लोग को? बड़ा अच्छा लगा, चाय पानी में व्यवस्था होती तो अच्छा लगता। मैंने क्या बोला, बजट अभी उतना नहीं है, जब बजट रहेगा तो चाय पानी भी रखेंगे। ठीक है ना, ओके। So guys, that's it for this video. I hope आप लोग ने enjoy किया होगा जैसा हम लोग ने enjoy किया। अगर आपको ये video पसंद आती है, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, see you in the next video. Bye, bye, bye.